बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टॉलिंग विंडो ऑन वर्चुअल मशीन विद यूएसबी। टॉपिक पे जाने से पहले वही रिक्वेस्ट, हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट। जनाब, सबसे पहले एक्सेस करें अपने ESXi सर्वर को। जी जनाब, सबसे पहले एडिट सेटिंग्स में जाएं। VM ऑप्शंस में BIOS ऑप्शंस में BIOS सेटिंग में और ये हमने VM नेम दिया हुआ है। उसके बाद जनाब, चूज़ विच फर्मवेयर शुड बी यूज टू बूट द वर्चुअल मशीन। इसके दो मेथड हैं, BIOS जिस तरह ये कह रहे हैं रिकमेंडेड, और एक है EFI मेथड। मैं अगर EFI सेलेक्ट करता हूँ तो USB से बूट कर सकूँगा। सेटिंग्स को सेव करते हैं। नेक्स्ट, इसको पावर ऑन करते हैं। ये पावर ऑन होने के बाद एक सॉफ्टवेयर है, VRMC। देखिए, इसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। VMware रिमोट कंसोल, तो ये टेस्टेड है, ट्रायल वर्जन में है। आप ये इंस्टॉल करेंगे, ओपन कंसोल करेंगे, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया। इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ। ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया, ये जो हमने उसको ड्राइव एलोकेट की थी, फिर चल रहा है। नेक्स्ट, ये देखिए जी, ये हो रहा है इंस्टॉल। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि थ्रू BIOS कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। तो जाने से पहले फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने कमेंट्स, सजेशंस और क्यूरीज हमें भेजें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।